आप सभी को सुंदर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाए। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला दें। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकू चावल हल्दी मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए। जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु की चित्त वृत्ति को। शास्त्र कहता है, सुमह पुराण की कथा कहती है, जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, जो बच्चा अपनी बुद्धि या विवेक से काम नहीं कर पा रहा, जो बच्चा एक परीक्षा में बार बार बैठ रहा है, फेल हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा, अगर 3 महीने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और वो दूध पिलाते समय जो फेन निकलता है उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चे की बुद्धि का विकास प्रबल हो जाता है, बुद्धि का विकास। अगर कोई एग्जाम में बच्चा बैठ रहा है और पास नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास नहीं हो रहा, उसको वो फेन पिलाकर एग्जाम के लिए भेज दीजिए, उसका बड़ा महत्व है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़ा दूध पीते समय जो फेन निकले, उसकी बड़ी महत्वता का वर्णन किया। ये वही फेन है, अगर घर में
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार रहता है तो उस बीमार व्यक्ति के स्नान की बाल्टी में भी वो फेन डाला जाता है और उससे स्नान कराया जाता है तो रोग मुक्त हो जाता है। सीमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी उसमें 5 बेलपत्र रखकर एक कमल पत्ता डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना करकर चढ़ा विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर। जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिवजी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के क्षेत्र में से रात्रि के समय पर उस क्षेत्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है मात्र एकाग्र की चित्तता के उस बिंदु चित्तवृत्ति को स्थिर करता। पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है, गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती है, एक समय भोजन करती है, भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने में मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह, पर भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है, तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है, कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है, कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक हर पूर्णिमा को हर संक्रांति को
ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया गया उसमें लिखा है। प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा इस योनि में गया। लिखा है सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा? पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना है, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दे, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसे, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती, शीतलता रहती। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने, वो कहे ना वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो, तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए, पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो ध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती, शिव और नारायण की पूजन करी जाती, शंकर और पार्वती का स्मरण किया। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप
शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी कहने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया। तो क्यों रो रही है तू अपूर्ण? अगर कह दिया पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती। माता पार्वती के यहां जब पहुंची माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है।